तो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एसपीएस गेमिंग जोन में। नो फेक न्यूज़, नो फेक अपडेट्स, ओनली 100% रियल कंटेंट। सो गाइस, गेम के अंदर यहां पर देखते हैं, यहां पे आपको एक 6th एनिवर्सरी का क्यूब सीक्रेट्स नाम का एक इवेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो इवेंट है, जब शुरू हुआ था मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि मेरे जो एग्जाम चले, जिस वजह से दोस्तों मैं जो एग्जाम देने के लिए गया था तो मैं जो इस इवेंट पर वीडियो नहीं बना पाया था। बट गाइस उसके लिए सॉरी, बस मेरे एक दो एग्जाम रह गए, जैसे दोस्तों वो खत्म हो जाएगा फिर से जो है मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो जाऊंगा, सहलेंगे थोड़ा सा। बट गाइस वैसे आपको इस इवेंट के बारे में पता चल ही गया होगा कि ये जो हमें कैसे कंप्लीट करना है, इसके अंदर क्या है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हाइलाइट देता हूं। तो गाइस इस इवेंट के अंदर क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए आप, आपको सर्वर प्रोग्रेस देखने को मिले जो कि अभी जो 33% हुई है। ठीक है, तो आपको इसे क्या करना है, 100% कर देना है। जैसे आप इसे 100% करेंगे तो गाइस यहां पे जो 6th एनिवर्सरी का मेन इंटरफेस आ जाएगा, मतलब और भी बड़ा इवेंट आ जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों आपको एक मैजिक क्यूब, डीजे लोका इलाइट करेक्टर, वो भी आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा, और कुछ और भी आइटम्स होगी 6th एनिवर्सरी की, वो भी आपको जो फ्री में देखने को मिल जाएगी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस ये जो 100% प्रोग्रेस आपको करनी है, आपको अकेले को नहीं, के लिए ग्लोबली जितने भी प्लेयर है फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है, उनको मिलके एक साथ करनी है। तो गाइस ये प्रोग्रेस आपको करनी कैसे वो मैं आपको बता दूं। तो गाइस आपको जो यहां पर देखिए 6th एनिवर्सरी वाला चिप वाला टोकन है, ठीक है, यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे एरो बनाकर, ठीक है, आपको ये वाले टोकन जो है कलेक्ट करने हैं। कैसे कलेक्ट करने हैं, तो गाइस आपको जाना है बीआर मोड के अंदर और बीआर रैंक के अंदर, ठीक है। वहां पे फुल मैप के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको रैंडमली कहीं पे भी टोकन पड़े हुए देखने को मिल जाएंगे, जिनका नाम आई थिंक 6th एनिवर्सरी चिप्स होगा, ठीक है, तो वो आपको कलेक्ट करने, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों उसी फुल मैप के अंदर आपको एक मूर्ति टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, उसके पास अगर आप जाएंगे वहां पे आपको जो यूज का बटन आएगा, जैसे आप उस यूज पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको कुछ लूट देखने को मिलेगी, साथ ही में वो चिप वाला टोकन भी देखने को मिल जाएगा 6th एनिवर्सरी का, ठीक है, तो वो आपको कलेक्ट करने। जैसे आप गेम खेल के बाहर भी आएंगे तो भी आपको जो टोकन देखने को मिलेंगे, सीएस और सीएस रैंक भी खेलेंगे तो भी दोस्तों आप गेम खेल के बाहर आएंगे तो भी आपको वो टोकन देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों आप वो टोकन कलेक्ट करेंगे तो गाइस यहां पर देखिए यहां पे इंसर्ट लिखा है, ठीक है, इंसर्ट के ऊपर यहां पे 21 लिखा है। तो गाइस अभी मेरे पास जो 21 टोकन है, मैंने 21 टोकन कलेक्ट किए, ठीक है, तो आपको करना है जैसे आप इस इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहां पर इंसर्ट 21 लिखा है, तो मैं इंसर्ट पर जैसे क्लिक करूंगा तो गाइस यहां पर देखिए मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया तो गाइस वो मैजिक क्यूब की तरफ गया, उसके बाद दोस्तों यहां पर चला गया, देख सकते हैं जहां पे जो है ऊपर 4 बना लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहां पे क्या होगा कि जैसे आप जो 5 टोकन इंसर्ट करते हैं इसके अंदर तो आपको जो एक रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो मैंने जो टोटल 21 टोकन यहां पे इंसर्ट किया, इसका मतलब दोस्तों मुझे जो 4 यहां पर रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर मैं 25 करता तो मुझे 5 देखने को मिलते, तो यहां पे मैंने 21 कर दिए, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं यहां पे साफ साफ लिखा भी है कि मैंने जो 21 टोकन यहां पे इंसर्ट कर दिए, तो 4 और कर दूंगा तो गाइस मुझे जो है यहां पर एक और क्रेट देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी मुझे जो 4 क्रेट्स यहां पे देखने को मिले, यहां पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो गाइस देखते हैं मुझे जो यहां पे 4 क्रेट्स देखने को मिलती है, ठीक है, तो मैं इसे अभी ओपन नहीं करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो क्रेट है इसके अंदर दोस्तों आपको एक फीमेल का बंडल देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर जैसे जब मैं वॉलेट सेक्शन में जाता हूं, ठीक है, तो यहां पर देखते हैं यहां पे मैं अदर्स में आता हूं, उसके बाद तो क्रेट में जाता हूं, तो गाइस यहां पर देखिए ये वाली वो क्रेट है जिसके अंदर दोस्तों आपको ये वाला जो है फीमेल का बंडल देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये जो फीमेल का बंडल है काफी प्लेयर्स का निकल नहीं रहा है, ठीक है, तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसका अगर आप यूज करते हैं इन क्रेट्स को ओपन करने के लिए, तो गाइस आपका जो ये वाला फीमेल का बंडल जरूर से जरूर निकल सकता है। 80-90% चांसेस है कि आपको ये फीमेल का बंडल निकल जाएगा अगर आप वो 3 ट्रिक का यूज करेंगे जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, और कैसे यूज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो तरीका प्लीज ध्यान से सुनना, जैसे मैं आपको कहूंगा आपको वैसे करना है, तो ही दोस्तों आपको जो ये वाला फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा। तो गाइस वो कौन सी ट्रिक है, कैसे आपको उन्हें यूज करना है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। और गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दोस्तों अगर आप चैनल पर नए और पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल स्पेस गेमिंग जोन को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको जल्दी से वो 3 ट्रिक्स बता देता हूं जिसका यूज करके आप जो है उस क्रेट्स को ओपन कर पाएंगे 6th एनिवर्सरी वाले, और उसके अंदर से आपको जो फीमेल का बंडल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाइस आपको ये तो पता चली गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टोकन इंसर्ट करने, ठीक है, इंसर्ट करेंगे तो गाइस आपकी जो सर्वर की प्रोग्रेस है वो बढ़ेगी, ठीक है, जैसी 100% होगी उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो मेन इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसके अंदर से आपको जो और भी रिवार्ड्स देखने को मिलेंगे 6th एनिवर्सरी के, ठीक है। बट अब बात कर ले कि वो जो क्रेट है उसे हम कैसे ओपन करें कि हमारा जो बंडल है वो हमें देखने को मिल जाए फीमेल वाला, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, पहले तो दोस्तों वो जितनी भी क्रेट है, ठीक है, जितनी भी आप कलेक्ट करें, जितनी भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आप कलेक्ट कर सकते हैं उन्हें कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है,
ओपन तो अभी तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर दोस्तों काफी प्लेयर्स ने वो क्रेट ओपन कर भी लिए तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जितनी भी क्रेट वो कलेक्ट करेंगे तो उन्हें आप जो है कलेक्ट ही करके रखिए, ठीक है। मतलब ज्यादा इकट्ठी कर लीजिए, उसे ओपन मत करना, ठीक है, ओपन मत करना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप मान के चलिए आपने जो 60 क्रेट जो है वो कलेक्ट कर लिए, ठीक है। 60 क्रेट जो आपने कलेक्ट करी उसके दोस्तों मैंने आपको तीन ट्रिक बतानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप दोस्तों 60 क्रेट जो है कलेक्ट कर लेंगे उनको आपको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो गाइस 20-20 के तीन हिस्से बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं तीन ट्रिक आपको बताने वाला हूं, पहली ट्रिक आपको यूज करनी है, उसके दोस्तों आपको 20 क्रेट ओपन करनी है, वो भी दोस्तों एक साथ। जी हां दोस्तों, एक साथ ओपन करनी, एक एक करके नहीं करनी। तो जो ट्रिक है वो तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको पहली ट्रिक को फॉलो करनी है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 20 क्रेट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तीन हिस्से में डिवाइड करना है, जितनी भी क्रेट आपके पास होगी तब आपको खोलनी है, ठीक है। जैसे मैंने कि आपको बताया कि 60 क्रेट हो जाएंगे, उसके आपको तीन हिस्से कर लेने, तो 20-20 के तीन हिस्से होंगे। पहली ट्रिक का यूज करेंगे तो आपको 20 क्रेट ओपन करनी है। अगर तो आपका बंडल निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता तो गाइस आपको दूसरी ट्रिक फॉलो करनी है। फिर से उसके बाद दोस्तों आपको जो है 20 क्रेट ओपन कर लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया तीन हिस्से में करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी क्रेट में निकल जाती तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर उसके बाद दोस्तों नहीं निकलते तो फिर आपको तीसरी ट्रिक यूज करनी है, ठीक है। तीसरी ट्रिक यूज करनी है, फिर से आपको जो 20 क्रेट आपकी बच गई होंगी तो आपको उन्हें जो है फिर से एक साथ जो है वहां पे ओपन कर देना है। तो गाइस आपके चांसेस है कि वो जो बंडल है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये वाली ट्रिक जो मैं भी यूज करता हूं हमेशा क्रेट ओपन करने के लिए, चाहे वो कोई भी क्रेट हो, ठीक है, चाहे वो गन क्रेट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करने लगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि पहली ट्रिक वो कौन सी है। तो जो पहली ट्रिक है उसके अंदर दोस्तों आपको करना है, आपको जाना है करेक्टर सेक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे आप दोस्तों करेक्टर सेक्शन के अंदर चल जाएंगे, आपको करेक्टर में आना है, ठीक है। उसके दोस्तों आपको एक फीमेल का करेक्टर ले लेना है, जो कि ओल्ड करेक्टर हो, आपने किसी टाइम में गोल्ड से परचेज किया हो, ओल्ड करेक्टर हो, ठीक है। ओल्ड करेक्टर जैसे कि यहाँ पे नीचे चलते, तो आप जो है ये करेक्टर भी ले सकते हैं, निकिता वाला हो गया, ठीक है। या फिर दोस्तों आप ये वाला करेक्टर ले सकते हैं, कैरोलिन, ठीक है। ये पुराने करेक्टर है और गोल्ड से परचेज किए गए, ठीक है। आपको ये वाले करेक्टर ले लेना है, जैसे कि मैंने अभी निकिता करेक्टर को ले लिया और यहाँ पे मैंने जो है इसे इक्वाइप कर दिया। उसके बाद दोस्तों को करना है, आपको जाना सीधा वॉलेट सेक्शन में। उसके बाद दोस्तों जैसे आप जो वॉलेट सेक्शन में आ जाएंगे तो आपको इसे क्या करना है, आपको एक ऐसा ड्रेस पहनाना है जो कि आपने जो गोल्ड रॉयल में स्पिन करके निकाला हो। जी दोस्तों, जो कि आपने जो गोल्ड रॉयल में स्पिन करके निकाला, कोई दूसरा बंडल नहीं पहनाना, गोल्ड रॉयल वाला ही पहनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड रॉयल में से जो भी बंडल निकला मैं उसे पहना देता हूँ, ठीक है। ये वाला, जैसे कि ये वाला गोल्ड रॉयल का बंडल है, ये वाला भी गोल्ड रॉयल का बंडल है, तो आप इन दोनों में से या फिर कोई और भी गोल्ड रॉयल का बंडल है आप उसे पहना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते मैंने इसे जो है पहना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते मैंने इसे जो गोल्ड रॉयल का फुल बंडल पहना दिया, ठीक है। तो उसके बाद सबको करना है, यहाँ पे इसे आपको कट कर देना, ठीक है, और यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है पेट वाले सेक्शन में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऐसा पेट लेना है जो कि आपको जो फ्री में मिला हो, ठीक है, फ्री में मिला हो। जैसे कि यहाँ पर आप मान के चलिए ये वाला पेट भी फ्री में ही मिला, ठीक है, मुझे तो एक बार फ्री में मिला था, ठीक है। तो ये वाला पेट हो गया, ठीक है। और भी जो पेट है जिसको कि आपको फ्री में मिला तो आप उसे ले सकते हैं। पांडा पेट भी एक बार फ्री में मिला था, ठीक है। तो आपको मान के चलिए एक पेट ले लेना जो कि आपको फ्री में मिला हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इसे जो है इक्वाइप कर लेना है। साथ ही में यहाँ पे आपको जाना है स्किन्स में, ठीक है। तो स्किन में दोस्तों आपको वो वाली स्किन लगानी है जो कि इसको जो है 6 लेवल कंप्लीट करते हैं ना पेट का, तो उसमें आपको जो स्किन मिलती है वो आपको लगा लेनी है। जैसे कि ये वाली स्किन जो है 6 लेवल कंप्लीट करने पर मुझे मिली थी, ठीक है, तो मैं इसे जो है यहाँ पर लगा दी ये वाली स्किन, ठीक है। उसके बाद सबको करना है यहाँ से आपको कट कर देना है। जैसे आप इसे कट करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, आपके हाथ में जो भी लेजेंडरी गन स्किन पकड़ी होगी तो आपको उसे जो अनइक्वाइप कर देना है, ठीक है। मतलब हाथ में कोई भी आपको गन स्किन पकड़ कर नहीं रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पे जाता हूँ गन सेक्शन में और यहाँ पे जो भी गन स्किन हाथ में होगी तो मैं उसे जो हटा देता हूँ। मतलब आपको ऐसे कर देना है, देखते हाथ में कोई भी गन स्किन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये वाली चीजें सारी फॉलो कर लेंगे उसके बाद सबको क्या करना है, आपको जाना है क्रेट ओपन करनी है, ठीक है, और तीन हिस्से कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास टोटल जितनी भी क्रेट है उनके तीन हिस्से कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पास 60 क्रेट अगर इकट्ठी होगी तो आपको जो तीन तीन हिस्से कर लेना है, 20-20 के बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आप ये कपड़े वगैरह पहना देंगे, करेक्टर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको 20 क्रेट ओपन करनी है एक साथ। जैसे आप दोस्तों उन्हें एक साथ ओपन करेंगे तो गाइस आपके चांसेस है 80-90% कि आपका जो वो फीमेल का बंडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाली ट्रिक वर्क नहीं करती उसके बाद आपको जो दूसरी ट्रिक का यूज करना है। तो गाइस दूसरी ट्रिक है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो गाइस दूसरी ट्रिक में आपको जाना फिर से जो है करेक्टर सेक्शन के अंदर। करेक्टर सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा करेक्टर ले लेना जो कि गरीना ने आपको किसी इवेंट में फ्री में दिया हो। इवेंट में मतलब फ्री में दिया हो, आपने कोई मिशन कंप्लीट किया हो वहां पे आपको जो फ्री में मिला हो। जैसे कि अभी मान के चलिए आपको ओरियन करेक्टर ही वहां पे फ्री में देखने को मिला है। अब गाइस जरूरी नहीं है कि आपको जो ओरियन करेक्टर लेना है, आप कोई और करेक्टर भी ले सकते हैं। जैसे कि जस्टिन बीबर करेक्टर भी हमें एक बार फ्री में देखने को मिला, ठीक है, तो आप इसे भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जो ओरियन ले लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको इसे जो इक्वाइप कर लेना है। जैसे आप इसे इक्वाइप करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है वॉलेट सेक्शन में। वॉलेट सेक्शन में जैसे आप दोस्तों जाएंगे आपको इस करेक्टर को ऐसा बंडल पहनाना है जो कि गरीना ने आपको किसी इवेंट में फ्री में दिया हो, अच्छा सा बंडल, ठीक है, किसी भी इवेंट में फ्री में दिया हो। जैसे कि ये वाला बंडल मान के चलिए ये भी आपको फ्री में देखने को मिला, ठीक है। कोई और भी बंडल होगा जो कि अच्छा सा दिखता होगा, ठीक है, आपको वो बंडल पहना देना है, ठीक है।
जैसे कि ये वाला भी हमें फ्री में देखने को मिला, ठीक है, और भी काफ़ी बंडल है, ठीक है, आप उनमें से कोई भी बंडल पहना सकते जो कि हमें जो फ्री में देखने को मिला हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मान के चलिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये वाला बंडल पहना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर और भी बंडल है, ठीक है, ये वाला भी हमें फ्री में मिला, ठीक है, तो मैं जो इस बंडल को पहना लेता हूँ, जैसे मैंने इसको पहना दिया, ठीक है, उसके दोस्तों यहाँ पर आपको इसे कट कर देना है। जैसे आप कट करेंगे उसके बाद सबको क्या करना है, आपको जाना है पेट सेक्शन में। अब दोस्तों पेट आपको वो लेना है जो कि ग्रेनर ने एक तो आपको किसी इवेंट में फ्री में दिया हो, ठीक है, वो वाला पेट ले लेना है। जैसे कि ये पांडा भी ले सकते हैं, वैसे ही मुझे फ्री में मिला था, या फिर ये वाला ले सकते हैं, ठीक है, इसे आपको ले लेना, चाहे ये वाला ले ले, कोई भी ले लीजिए, बट वो फ्री में मिला आपको इवेंट में, ठीक है, इसको मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको इसे इक्वाइप करना है, और साथ ही में आपको इसे स्किन पता कौन सी लगानी है, स्किन भी वो लगानी है, लेजेंडरी टाइप की लगानी है जो कि ग्रेनर ने आपको फ्री में ही दी हो। जैसे कि अब ये जो स्किन पहले से लगी हुई ये भी हमें फ्री में ही देखने को मिली थी, ठीक है, और ये पर्पल वाली भी हमें जो है फ्री में देखने को मिली थी, ठीक है। तो आप कोई भी स्किन लगा लीजिए, बट वो लेजेंडरी होनी चाहिए और ग्रीन आपको फ्री में दी हो, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक में आपको ये कर लेना है, ठीक है, मैं जो ये वाली स्किन लगा लेते उसके बाद आपको इसे जो कट कर देना है। कट करने के बाद आपको करना है, आपको जाना है वेपन सेक्शन के अंदर, ठीक है। वेपन सेक्शन के अंदर जाने के बाद तो आपको एक ऐसी गन स्किन इक्वाइप करनी है, शो इन लॉबी करनी है, जो कि ग्रीन ने आपको किसी इवेंट में फ्री में दी हो, वो भी लेजेंडरी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली M41 भी हमें फ्री में देखने को मिली, ठीक है, और भी गन स्किन है मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ग्रीन ने हमें फ्री में दी है, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि फ्री में मिली है तो आपको उसे लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर और भी गन स्किन है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाली गन स्किन भी आपको पता है कि फ्री में देखने को मिली, ठीक है, और भी गन स्किन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली गन स्किन भी हमें फ्री में देखने को मिली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस वाली गन स्किन को शो इन लॉबी कर लेता हूँ, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्या करना, आपको भी वही गन स्किन लगा लेनी है जो कि आपको ग्रीनर ने फ्री में दी हो, लेजेंडरी हो, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैंने ट्रिक यूज करनी थी वो यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो और 20 क्रेट, मतलब कि दोस्तों आपका जो तीसरा हिस्सा जो भी होगा, तीन हिस्से के होंगे, आपको उतनी क्रेट फिर से एक साथ खोल लेनी है, अब ठीक है, एक साथ खोल लेनी। अब दोस्तों आपके फिर से चांसेस है कि वो आपका जो बंडल है फीमेल का वो आपका निकल जाए, 80-90% चांसेस है, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक में दोस्तों आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो गाइस आपके चांसेस है कि वो फीमेल का बंडल आपका जरूर से जरूर निकलेगा, ठीक है। अगर बाय चांस दोस्तों आपका इन दोनों ट्रिक को यूज करके वो बंडल नहीं निकलता, तो अभी दोस्तों एक तीसरी ट्रिक भी पड़ी है, ठीक है। तो तीसरी ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गाइस आपको क्या करना है, आपको फिर से चले जाना है करेक्टर सेक्शन के अंदर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आदम चचा करेक्टर को ले लेना, जी हाँ दोस्तों आदम चचा करेक्टर को ले लेना और इसे जो इक्वाइप कर देना। और गाइज आपको इसे क्या करना है, आपको इसे जो ये डिफॉल्ट वाला ड्रेस देख सकते जो कि मैंने अभी पहनाया हुआ है, ठीक है, आपको यही वाला ड्रेस पहना कर रखना है जो कि डिफॉल्ट होता है, ठीक है, जैसे कि अभी देखते हैं यहाँ पे मैंने पहना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसे जो इक्वाइप करने के बाद इसे यहाँ से कट कर देना और पेट वाले सेक्शन में जाना, और जो भी पेट आपका लगा होगा उसे आपको जो यहाँ पे रेस्ट कर देना है, मतलब कि अनइक्वाइप कर देना, कोई भी पेट आपको नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे कट करेंगे उसके बाद जो भी आपने हाथ में वेपन पकड़ा होगा ना उसे भी जो है आपको जो है अनइक्वाइप कर देना है, कोई भी वेपन जो है शो इन लॉबी में, यहाँ पे लॉबी में शो होना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मैंने जो वेपन भी हटा दिया, मतलब कि दोस्तों आपको इस टाइप से एक डिफॉल्ट टाइप का बना देना, ठीक है, आदम चचा लगाकर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना है, आपके पास जो क्रेट अब बची हुई है, ठीक है, उन्हें आपको जो फिर से एक साथ ओपन कर देना है, जी हाँ दोस्तों एक साथ ओपन कर देना, तो गाइस आपके चांसेस है कि वो आपको बंडल जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये जो तीनों ट्रिक्स मैंने आपको बताई, आपको इन तीनों ट्रिक्स को फॉलो करना है, और कैसे फॉलो करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपके पास जितनी भी ज्यादा से ज्यादा क्रेट इकट्ठी होंगी आपको उन्हें ओपन नहीं करना, इकट्ठी करके रख लेना, फिर आपको उनको तीन हिस्से में डिवाइड करना है, और तीनों हिस्से को क्या करना है, आपको तीनों ट्रिक का यूज करके जो ओपन कर लेना है। तो तीनों ट्रिक का अगर आप यूज करेंगे तो चांसेस दोस्तों किसी भी एक ट्रिक से आपका जो वो बंडल जरूर से आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों जरूरी नहीं कि आप 6th एनिवर्सरी की क्रेट ही ओपन करें, आप चाहे तो कोई गन क्रेट ओपन करना चाहते तो भी आप इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं भी ऐसे करता हूं जितनी भी क्रेट ओपन करता हूं, जब भी करता हूं, ठीक है, तो मैं तीनों ट्रिक का ही यूज करके जो क्रेट्स ओपन करता हूं। और काफी बार दोस्तों ऐसा होता है कि मेरी जो है रेयर आइटम निकल ही जाती है, तो गाइस आपको भी इन तीनों ट्रिक का जरूर से जरूर यूज करना है। कैसे यूज करना है वो सारा मैंने आपको समझा दिया, आपको भी सेम टू सेम वैसे यूज करना है, तो आपके भी चांसेस है कि वो फीमेल का बंडल आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए और आप पता चल गया हो कि वो कौन सी तीन ट्रिक्स है जिनका अगर आप यूज कर रहे तो आपको जो फीमेल का बंडल देखने को मिल सकता है। तो गाइस एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अभी आपके पास जो कितनी क्रेट पड़ी है 6th एनिवर्सरी की और आपने जो कितनी क्रेट ओपन कर लिए, तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं बताऊंगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को भी नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।